आप सबको जोहार, विलेज कुकिंग विद वेलफ्लावर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पनीर की एक रेसिपी बनाने वाले हैं, तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या लिए हैं हम ये रेसिपी बनाने के लिए। हम पनीर लिए हैं, यहाँ पे कैप्सिकम लिए हैं, गाजर लिए हैं, ग्रीन मटर लिए हैं, प्याज लिए हैं, लहसुन लिए हैं, थोड़ी सी अदरक लिए हैं, दो हरी मिर्ची लिए हैं, जीरा लिए हैं, गरम मसाला लिए हैं, दो तीन काजू लिए हैं, धनिया पत्ता लिए है, टमाटर लिए हैं, नमक लिए हैं, हल्दी लिए हैं और थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर लिए हैं और रिफाइन का तेल लिए हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। गरम हो गया है, अभी जीरा गरम मसाले को डालेंगे। प्याज लहसुन को भी डाल देंगे। प्याज हमारा थोड़ी सी पक गया है, अभी यहाँ पर टमाटर डाल देंगे। प्याज टमाटर हमारा पक गया है, अभी निकाल लेते हैं। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद बांटेंगे। तब तक हम पनीर फ्राई कर लेते हैं। पनीर को फ्राई करेंगे। पनीर हमारा फ्राई हो गया है, अभी निकाल लेते हैं। निकाल कर तुरंत पानी में डाल देंगे। गाजर कैप्सिकम को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब ग्रीन मटर को डाल देंगे। अब बटा हुआ मसाला को डाल देंगे। नमक और हल्दी डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर डालेंगे और पानी डालकर उबालेंगे। पनीर को डाल देंगे अब धनिया पत्ता डाल देंगे और उतार देंगे।
ये देखिए हमारा पनीर की सब्जी बन के तैयार हो गया है, कितनी स्वादिष्ट दिख रही है। आप लोग भी जरूर एक बार ऐसा बनाइएगा। ये बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक नए वीडियो के साथ हम बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।